और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कोटा, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को संबोधित कर रहे हैं। अब इकट्ठे हुए कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ में है। राहुल जी को आप सुनने आए हैं, जिस बात की मुझे बहुत पसंद था। अभी राहुल जी आप लोग अपनी बात कहेंगे, मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि रामनारायण मीणा जी कोई नए नहीं है, लंबे अरसे से हाड़ोती की राजस्थान की सेवा करते आए हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। लंबे पार्लियामेंट भी पहले आपने आशीर्वाद देकर को सुना था, ये एमएलए भी रहे कई बार, डिप्टी स्पीकर रहे विधानसभा के अंदर, एक लंबा राजनीतिक अनुभव इनका है। आप इनको कामयाब करके भेजोगे इस बार सारी बहुमत से, कि चुनाव जीतने के बाद में कोटा की जो समस्याएं हैं उनको दिल्ली की पंचायत में जोर शोर से उठाएंगे, आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। या आपने सरकार बने, 3 महीने पहले राजस्थान सरकार बनाएंगे। राहुली गांधी से जो बातें करो निभाओ, हमने मैनिफेस्टो जारी किया, आपने के लोगों ने पढ़ा होगा। मैनिफेस्टो के आधार पर सरकार बनती पहली कैबिनेट के अंदर ही हमने मैनिफेस्टो को सरकार की कार्य योजना का अंग बना दिया ऑफिशियल। अब पूरी सरकार चलेगी मैनिफेस्टो के आधार पर चलेगी, जो उसमें वादे किए गए हैं वो निभाने हैं। क्योंकि हमारे नेता का कहना है जो कहो वो करके दिखाओ, मोदी जी की तरह नहीं है जुड़े वाले किए, ना काला धन एक रुपया आया, ना नौकरी लगी दो करोड़ लोगों को रोग प्रतिवर, ना महंगाई कम हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो वादे किए वो वादे के बाद धरे लेके ना अच्छे दिन आए। मैनिफेस्टो में दिल्ली में बनाया, राहुल जी ने बनवाया है, 11 पहली बार नई सोच के साथ पूरे देश में लाखों लोगों को पूछा गया, इंटरनेट के माध्यम से मंगाए गए सुझाव, टीमें गई पूरे देश के अंदर राज्यों में, जनता चाहती क्या है, आखिर में महिलाएं क्या चाहती है, मजदूर क्या चाहता है, किसान की क्या समस्या है, हर वर्ग को पूछा गया। और पूछने के बाद में घोषणा पत्र जारी हुआ इस बार, ये आप सबको मालूम। और केंद्र सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, आप मान के चलो। राहुल गांधी ने कहा है हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, देश से 6,000 रूपये प्रति माह परिवारों के, गरीब परिवारों के घर की महिला के नाम का आएगा बैंक के अंदर, 12 महीने 500,000 रूपये होंगे, पांच दाते 5,360,000 रूपये होंगे। नई योजना लागू की है, देश में बड़ा इसका इम्पैक्ट है, गांव गांव में चर्चाएं हो रही है, पेश हो रही है, विपक्षी लोग उसको आलोचना करते हैं क्योंकि उनके पास कहने कुछ है नहीं। पैसा कहां जाएगा उनको पूछो, जब सोनिया गांधी जी नरेंद्र मनमोहन जी ने लेके आए नरेगा, तब भी आप ये कहा पैसा कहां जाएगा, कहां से पैसा आया। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना नरेगा है, आज अकाल पड़ रहा हो, सूखा पड़ो, कुछ पहले वाली स्थिति नहीं है, काम मांगने पर काम मिलेगा मिलेगा, ये स्थिति वाली। इस रूप में नई योजना लेकर आए हैं, किसानों के लिए अलग बजट पेश हो रहा है, ये घोषणा करी गई है, सही बातें उस पर वादे किए गए आपने, आपको मालूम है। मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहूंगा और ये मैं निवेदन करूंगा आपको कि हमारे कितने में कहीं अंतर नहीं है। संकट के वक्त में हमेशा चाहे हम लोग सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, आपके साथ खड़े मिले होंगे आपको, इसीलिए आपने पुनः सरकार बनाई है। मुझे याद है सरकार चली गई हमारी और कहीं तो गोलावृष्टि हुई आपके यहां पर, मोदी के अंदर, कोटा में, राजस्थान भर के अंदर सबसे चौपट होगी किसानों की, जो हम हरे हुए थे। और सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थी उस वक्त में, कुछ अचानक आई कोटा के अंदर, हम सब उनके साथ थे, गांव गांव में गए, हमने किसानों से बातचीत करी और जो कर सकते हैं हम लोग, मैं, सचिन पायलट जी, प्रमोद जितेन सिंह जी, रामचंद्र डूडी साहब, हम सब कई जिलों में गए थे, किसानों के हालचाल पूछे, कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, पर जिसको सरकार की सरकार की इसे कोई परवाह नहीं करी, जो मामला देना चाहिए था मामला नहीं दिया। ये हालात थे किसी सरकार को शासन।
सीएम अशोक गहलोत इस वक्त कोटा में जनता को संबोधित कर रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने न्याय योजना के बारे में कोटा की जनता को विस्तार से बताया और साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी गरीबी को हटाना चाहते हैं और इसीलिए अगर कांग्रेस की सरकार 2019 में बनती है तो प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में प्रति माह 6,000 रुपए जाएंगे और साथ ही कहा कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है नरेगा योजना। तो जो स्थिति बनी है कोटा में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बाद अभी मुझे आवाज़ पूछते हैं। आपको मालूम है वसुंधरा जी ने कोटा चंबा की मुख्यालय है, इसका हक बनता था एयरपोर्ट बनने का, इसके बिना वो झालावाड़ ले गई, वहां पर झालावाड़ बनाओ, एक भी दो बनाओ, हमें ऐतराज नहीं है। तो कोटा हरोती का चंबा की मुख्यालय है या एयरपोर्ट बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना, ये समझ के परे है। हम आपको कहना चाहेंगे सरकार बनेगी केंद्र में, राहुल जी पिछली बार मीटिंग में आए थे तब उसने जिक्र किया था, मैं भी कहना चाहूंगा झारखंड सरकार पूरा सहयोग करेगी, केंद्र सरकार हमारी बनेगी, तो जो वादे हमने किए हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर एयरपोर्ट बने नया, लेकिन उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में कई काम जो हमने किए हैं, किसानों के कर्जे माफ किए हमने, सिटी बैंक के हमने, भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ कर दिए, जो देशमय बैंक है हमारी दूसरी बैंक है उनके कर्जे हमने कहा है 2 लाख रुपए तक के कर्जे जो दे नहीं पाए उन सबके कर्जे चुनाव होते ही माफ होंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने पानी के बिल गांव के माफ कर दिए हैं, अब पानी के बिल आएंगे नहीं, आपके निःशुल्क पानी मिलेगा गांव में, ये हमने आदेश जारी कर दिए हैं, और शर्म बहुत कम भी आएगा ये मैं कह सकता हूँ, उसको हम सोचेंगे क्या करना चाहते हैं। दवाई हमने कैंसर की, किडनी की, हाड़ की दवाई बहुत महंगी होती है, 600 दवाई पहले थी, हमने कहा ये दवाई फ्री मिलेगी राजस्थान में, कुछ पैसा नहीं देना पड़े गरीब आदमी को, ये हमने व्यवस्था करी है। पेंशन हमने 5.75% की है, 7,500 करी है, तो जो घोषणा पत्र जीता हमने 21 वादे भी पूरे किए हैं, 5 साल बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, 1 लाख कृषि कनेक्शन जारी कर दिए हैं, काम चालू है, आधे से अधिक हो चुका है, इस प्रकार से सरकार ने कहा है उसके आधार पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, देश में घृणा का नफरत का माहौल बना रखा है, हिंसा का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, और राहुल जी कहते हैं घृणा का नफरत से राजनीति नहीं होती है, लोकतंत्र में प्यार से भाईचारे से मिलकर चले, हमारी कोई अदालत किसी से नहीं है, हमारी जो नीतियों कार्यक्रम सिद्धांतों के आधार पर हम लोग लोकतंत्र में अपनी बात कहते जनता को, एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ झूठ है, असत्य है, जुमलेबाजी है, इतना आपको फर्क करना पड़ेगा। अच्छे दिन आए नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अरे भाई सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या थी पता नहीं लोगों को, कपड़े पहनने को नहीं थे लोगों के, ना सड़कें थी देश में, गांव की बात छोड़ो शहरों में भी नहीं थी, पानी की गांव की बात छोड़ो शहरों में पानी नहीं आता था घरों के अंदर, इतना बड़ा जाल बचा अपने देश के अंदर, तंत्र मंत्र बना है, जाल बिछ गया, सड़कों का बिछ गया, पानी के पाइप लाइनों का बिछ गया, बिजली के तारों का बिछ गया, शिक्षा स्कूल गांव गांव में खुल गई, कॉलेज खुल गए, विश्वविद्यालय खुल गए, तो विश्वविद्यालय था राजस्थान के अंदर पहले एक भी, जो कानपुर में लखनऊ पढ़ने जाते थे, आगरा पढ़ने जाते थे, वो जमाने में देखा है, यानी पानी पीढ़ी है, क्या मोदी जी बात करेंगे, अरे अटल वाजपेयी वाजपेयी जो बने प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहूं 50 साल में कुछ भी नहीं हुआ, 50 साल में बहुत कुछ हुआ देश के अंदर, उनका खुद ने सही बात कह रहा है, तो नया नेता से पैदा हुआ है, झूठे आरोप लगाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, इस प्रकार झटके झटके करते रहते हैं टीवी के अंदर, इस प्रकार से वो गुमराह करते लोगों को, असत्य बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, अरे उपलब्धि बताओ जनता को, 5 साल की उपलब्धि आगे क्या रही है, उसका लेखा जोखा बताओ, आगे क्या करो वो बताओ, उसकी बजाय वो कभी धर्म के नाम पर बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात करते हैं, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या, मैंने मुझे कभी सुना आपने 40 साल में, तो मैंने कभी कहा मैं ओबीसी का हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है,
मोदी जी प्रधानमंत्री है वो भी जगह हो इसे मेरी बेइज्जती करे लूंगा। कौन बेइज्जती कर रहा है उनकी? कोई बेइज्जती नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा आप खुद बनाए रखो, ये आपके हाथ में है। देश प्रधानमंत्री को बात बोले, प्रधानमंत्री की बात जनता को छूने वाली होनी चाहिए, दिल को छूने वाली होनी चाहिए। वो कहा है आज की जमाने, वो जमाना था बने नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, जय जवान जय किसान की बात करी, आराम हराने की बात करी, गरीब हटाओ की बात करी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने 21st सेंचुरी की बात करी। आज मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, क्रांति हो गई देश के अंदर, दुनिया मुठ्ठी में हो गई है। ये हमारे कैमरे वाले चाहे पूरा दुनिया देख सकती है कौन कहां बैठा हुआ, कौन भाषण दे रहा है। क्रांति नहीं है, कैसे आ गई? जो मोदी जी 500 में लेके आए हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। जो माहौल बनाया है मीडिया का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, मीडिया कुछ दबाव में है, मीडिया के मालिक दबाव में, मीडिया के संपादक दबाव में है, एंकर दबाव में है। और रवीश कुमार तो बोलता है टीवी के अंदर, एनडीटीवी वाला, हम लोग एंकर हैं, झूठ परोस रहे देश को, लोकतंत्र खतरे में है, दबाव हमारे ऊपर है, क्या क्या नहीं बोला वो। उसने यहां तक कह दिया 2 महीने भाइयों और बहनों देशवासियों आप टीवी देखना बंद कर दो, कहीं इनके भ्रम में आ गए मोदी जी उनका। आप पूछ सकते हैं कि ये हालात जैसे बन गए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगला चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और देश को बचाने का चुनाव है। जो मैं अपील करूंगा आपसे, हम सब ने मिलकर के रामनाथ मेरा जी वकील चंद्रा राम जी से आप सबको मेरा निवेदन है, कोई कमी मत रखना, एक ही वोट का सवाल है। और आप लोग सब मिलकर के संदेश देंगे गांव गांव में, 29 तारीख को हाथ से वाला बजट लगा करके आप कामयाब करें। ये बात करना मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कोटा में कई चीजें बताई और साथ ही कहा कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना नरेगा योजना है। देश में अकाल पड़े, आपातकाल हो, लेकिन हर हाल में गरीबों को नरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होगा। और साथ ये भी कहा कि 3 महीने में प्रदेश की सरकार ने जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाया और साथ ही किसानों का कर्जा माफ भी किया। और एक बड़ी बात कही कि आप राहुल गांधी को सुनने आए हैं, इसकी मुझे खुशी है।